वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ज़हनी सेहत का आलमी दिन। हम जानते हैं कि ज़हनी सेहत के बगैर जिस्मानी सेहत मुकम्मल नहीं हो सकती, रूहानी सेहत भी मुकम्मल नहीं हो सकती। तो अगर हम वेल बीइंग ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल कह रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम हमारी ज़हनी सेहत होगी, क्योंकि हमारी जिस्मानी बीमारियों की 80% वजूहात हमारा ज़हनी दबाव या हमारी बतजलजल ज़हनी सेहत होती है। ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस इस साल ज़हनी सेहत की इन्हीं तरजीहात पर काम करते हुए नशा एक आदत निजात मुमकिन है इस पर काम कर रहा है, और अगले साल वर्ल्ड साइकेट्री एसोसिएशन की थीमेटिक कॉन्फ्रेंस की थीम के अंदर वीडियो कॉम्पिटिशन भी पूरे पाकिस्तान में इसी टॉपिक पर हो रहा है। एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम जो ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस इस साल लेके आया है, और वो है नशा एक आदत है और निजात मुमकिन है। 90% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती और येट उनका इलाज किया जा सकता है। तो इंतहाई राजदाराना तरीके से एक मेन स्ट्रीम में रहते हुए बग़ैर किसी को बताए अपनी इस आदत से छुटकारा मुमकिन है। यही एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम इस साल की खसूसियत होगी मेंटल हेल्थ के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस की तरफ से। सो अपनी ज़हनी सेहत के ऊपर तवज्जो दीजिए, क्योंकि ज़हनी सेहत ही दरअसल असल सेहत है।